कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। लोकसभा चुनाव के लिए दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। इसी बीच बड़ी खबर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर है। दरअसल उत्तर प्रदेश की दो हाई प्रोफाइल सीटों जिनमें रायबरेली और अमेठी का नाम है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। खबर है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वे केवल प्रचार करेंगी, वहीं पर राहुल गांधी के अमेठी या फिर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर 2 मई तक फैसला आ सकता है। इससे पहले खबर थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली सीटों से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। कहा तो ये भी जा रहा था कि इन सीटों पर उम्मीदवारी के ऐलान से पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। गौरतलब है कि 2019 के चुनावों में राहुल गांधी को अमेठी की सीट से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री यानी कि स्मृति ईरानी ने चुनाव में हरा दिया था। हालांकि वो वायनाड सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंच गए थे। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2022 के चुनाव में अमेठी और गौरीगंज से समाजवादी पार्टी अपने 2 विधायक बनाने में कामयाब रही, जबकि सलोन सीट पर बहुत ही मामूली वोटों से हार गई थी। बीजेपी अमेठी में अपने 3 विधायक बनाने में सफल रही। अब ऐसे में दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान कब करती है, ये तो दिलचस्प बात है, क्योंकि इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कुछ बता रहे हैं और ऐलान पर कैसा हिंट दे रहे हैं, इन्हें सुनिए। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। सीईसी हैज एम्पावर्ड द कांग्रेस प्रेसिडेंट टू फाइनलाइज द कांग्रेस कैंडिडेट्स फॉर अमेठी एंड रायबरेली। माय एक्सपेक्टेशन इज दैट इन द नेक्स्ट 24 to 30 hours कांग्रेस प्रेसिडेंट विल फाइनलाइज and a decision that has been taken by him will be announced formally. Till that is done, all information, all tickers, all so-called office orders are all fake.